वो लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वो आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर थी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। माशाल्लाह। ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वो सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? क्या? झुक कर सलाम कर इन्हें। जी, अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। जी हुजूर। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे? तुम्हारा नाम क्या है? केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? नहीं, इसे यहाँ से पकड़िए। हाँ, यहाँ से हल्के हाथ से। हाँ। जी, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अच्छा। अरे अरे, नहीं नहीं, हथौड़ी को आहिस्ता से मारना है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। जी हुजूर। केशव, सही नहीं है क्या? माशाल्लाह। सलामत, कैसे सीख रहे हैं ये कला? ठीक हो रहा है। अच्छा, अच्छा फनकार है। थोड़ा यहाँ कीजिए। केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहां रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार
गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव। अरे उनको तो छीनी पकड़नी भी नहीं आती थी, फिर मैंने उन्हें रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहां। वो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही। पापा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं, तीन तीन संतानें होंगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियार। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। अच्छा, आप समझा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है।